अच्छा देखिए बेटा, किचन वाला ये वाला क्वेश्चन जब करोगे पूरा ध्यान रखना। क्या होता है कि जैसे हमने कोई करंट का डायरेक्शन बोला, करंट मान लीजिए इस तरह करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। ओके, अब इस जगह पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव टू माइनस दिस, तो पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, फाइनल माइनस दिस, पहले चीज को ध्यान रखें। तो दैट मींस करंट का डायरेक्शन है, लूप का डायरेक्शन भी सेम है, दैट मींस क्या, दैट विल बी नेगेटिव। ओके अंडरस्टूड, इसी डायरेक्शन से हम लोगों ने इस चीज को करना चाह रहे हैं, हमें लूप इस तरीके से लिए, तो क्या आएगा उसको पहले देख ले। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पर आई वन लिया, इसमें आई टू ले लिया, इस जगह पे आई थ्री, आई थ्री ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है, आई वन माइनस, और यहाँ पे आई थ्री आ रहा है, इसमें आई टू जा रहा है, दैट विल बी जो करंट यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे भी आई वन प्लस, ठीक है। तो अभी इस बात को ध्यान रखे और इक्वेशन को ले, तो अभी देखिए इस वाले लूप को जब बोलेंगे इस डायरेक्शन में क्या हुआ, माइनस टेन आई वन, ठीक है, जिससे लूप कौन सा, ए बी डी ई, इस लूप को कंसीडर करें तो क्या होगा, माइनस टेन आई वन, ये पता चला माइनस टेन आई वन की हुआ, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो दैट इज लोअर माइनस हायर कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी मान लो लूप का डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, तो नेगेटिव ले लो, बस काम खत्म, ये भी लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, तो नेगेटिव है, फाइव बाई थ्री, और ठीक ये अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस दैट इज फाइव बाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो। और ऑलवेज ध्यान रखोगे सिमेट्रिकल वे में करना, वन टू थ्री इस तरीके से रख देना, इस पर रखें फाइव माइनस टेन आई वन और प्लस फाइव आई टू माइनस फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। कोई भी उसको रिड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं, जब जरूरत होगा तब करेंगे, उससे पहले कभी नहीं करेगा, ठीक है। सब भट्टे होते हैं जैसे फाइव फाइव काट दिया, शॉर्ट कर दिया, कभी जरूरत इसे कभी नहीं, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तब उसको। तो दूसरा जो, और इसके बीच बीच में थोड़ी सी गैप डाल देना, बिकॉज इसको चेंज करना है तो चेंज कर देना, ठीक है। अभी बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी, तो यहाँ पे भी लूप इस तरीके से ले लेते, ठीक है ना, ये घूम रहे, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में नेगेटिव हो गया, फाइव माइनस फाइव आई वन माइनस आई थ्री, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसी आ रहा था, ये भी सेम डायरेक्शन, माइनस टेन आई टू प्लस आई थ्री, उसके बाद ये जो डायरेक्शन है अपोजिट में है, तो प्लस फाइव आई थ्री इक्वल्स टू जीरो, माइनस फाइव आई वन प्लस फाइव आई थ्री माइनस टेन आई टू माइनस टेन आई थ्री प्लस फाइव आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो आई वन कितने पर है, माइनस फाइव आई,
आई टू का भी है इस जगह पर है माइनस 10 आई टू आई वन माइनस आई फाइव आई वन फाइव था ये वाला कितना 10 था वो वाला तो ये 5 by 3 10 और minus I 3 और 5 by 3 तो minus 5 by 1 और 10 I 2 और I 3 कितना रहा है 5 by 3, 10 I 3, 20 I 3 = 0 ठीक है ये चीज है हम लोग तेरे कॉपी में देखते हैं ये वाला इक्वेशन कितना आ रहा था थोड़ी देर पहले ये है तो चेक ये वाला सेकेंड वन आया था ना ओके थर्ड जो है थर्ड ये वाला लूप ए बी सी ये वाला सेल के लिए ई लिखते ओके तो लूप ए बी सी ई ए तो इसको भी ये डायरेक्शन ले लिया ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस फाइव आई टू दिस वन इज आई टू माइनस टेन डायरेक्शन सेम है और वो कौन सा आई वन प्लस आई थ्री आई टू प्लस आई थ्री ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव थर्ड करना तो क्या होगा हायर माइनस क्यों आता है क्योंकि पॉजिटिव प्लस टेन हो और यहाँ पे टेन ओम के थ्रू जा रहा है ये क्या इसी डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है ये डायरेक्शन इसे सब कैसे जा रहा है कारण भी इसी डायरेक्शन में है तो सेम हो दैट विल बी प्लस टेन माइनस टेन दैट इज आई वन प्लस इक्वल्स टू जीरो बट क्लियर ये जो ये लूप दिए है इस डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हायर माइनस को अर्न करेंगे दैट विल बी नेगेटिव ओके पॉजिटिव और ये वाला क्या सेम डायरेक्शन हो रहा है लूप का डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव ओके तो माइनस फाइव बाई टू माइनस टेन आई टू माइनस टेन आई थ्री प्लस टेन माइनस टेन आई वन माइनस टेन आई टू इक्वल्स टू जीरो तो आई वन कितना माइनस टेन आई वन और आई टू कितना है माइनस टेन आई टू दैट इज दिस टेन टेन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव आई टू और आई थ्री कितना है टेन आई थ्री कर दो माइनस टेन तो आई वन पार्ट ये है फाइव आई टू माइनस टेन आई वन प्लस आई थ्री प्लस टेन माइनस दैट इज टेन आई वन प्लस आई टू
तो माइनस 5/2 माइनस 10i2 माइनस 10i3 प्लस 10 माइनस 10i1 माइनस 10i2 माइनस 10i1 और i2 10 है माइनस 25i2 माइनस 10i3 16 ये हो गया 32। तो यहाँ पे देख 10 है तो ये सब मान लो 5 करके ये वाला भी 10 है फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला भी ये 5 है और ये वाला 10 है दैट मींस इस इक्वेशन को चेंज कर ले तो आ जाएगा इसको चेंज कर लेता हूं दैट इज माइनस 10i1 प्लस 20i2 प्लस 40i3 इक्वल टू 0। ये जो इस वाला इक्वेशन को चेंज करके इसको सेकंड कर दो सभी 10i1 इसमें भी है 10i1 इसमें भी है 10i1 इसमें भी दोनों इक्वेशन बन जाएंगे i2 i3 से। तो पहले फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज माइनस 10i1 प्लस 5i2 प्लस 5i2 माइनस 5i3 इक्वल टू 0 माइनस 10i1 माइनस 25i2 माइनस 10i3 इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस कैंसिल होगा ये प्लस और ये भी प्लस ये भी प्लस तो कितना हो गया दैट इज 30i2 और ये हो गया तुम्हारा प्लस 5i3 इक्वल टू 10 ये हो गया तुम्हारा 43। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड कर लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड को सम कर लेते हैं। सेकेंड वाले केस में माइनस 10i1 प्लस 20i2 प्लस 40i3 इक्वल टू 0 माइनस 10i1 20i2 प्लस 40i3 इक्वल टू 0 माइनस 10i1 माइनस 25i2 माइनस 10i3 इक्वल टू माइनस 10 इसमें प्लस 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 45i2 ये तो कैंसिल हो गया ये कितना हो गया 50i3 इक्वल टू 10 ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ पार्ट। अब फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करना है ये वाला 50i3 ये वाला 5i3 तो इसको क्या करेंगे चेंज कर देते हैं 10 से इनटू कर देंगे तो चेंज हो जाएगा ओके तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे इसीलिए बीच में थोड़ा गैप छोड़ के रख देना वो चेंज हो जाता है उसको 50 करना है तो इसमें से 300i2 हो जाएगा ये हो जाएगा 50i3 और ये हो जाएगा 100 इसको हमने फोर्थ बोल दिया। फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करना है तो हम लोग का ये जो चीज है 300i2 प्लस 50i3 इक्वल टू 100 और 45i2 प्लस 50i3 इक्वल टू 10 तो माइनस कर देंगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा ये माइनस तो 255i2 इक्वल टू 9 ठीक है तो i2 इक्वल टू 90/255 तो 90 पहले 5 से कट जाएगा 25 255 ओके 18 हो गया
16 हो गया 17 हो गया, तो 6 अपॉन 17 एम्पियर हो गया आई क्यू। अभी धीरे धीरे इस तरीके से आई क्यू आ गया, फिर आई वन आई थ्री सब कुछ आ जाएगा। ओके, आई क्यू आने के बाद इस जगह पुट कर देते हैं, ये वाला छोटे इक्वेशन था इसमें आई थ्री आ जाएगा। थर्टी आई टू प्लस फाइव आई थ्री इक्वल्स टू टेन। ये वाला आया था थर्टी थर्टी आई टू प्लस फाइव आई थ्री इक्वल टू टेन। आई टू का वैल्यू 6/17 था, तो थर्टी इंटू 6/17 प्लस फाइव आई थ्री इक्वल्स टू टेन। तो 180 upon 17 plus 5 by 3 equals to 10. 5 by 3 equals to 10 minus 180 upon 17. तो ये 170 तो minus 10 upon 17. 5 by 3 equals to 10. I 3 equals to ये नीचे आ जाएगा तो minus 2 upon 17. थोड़ा ध्यान रखिएगा I3 का डायरेक्शन ये वाला है, B टू D बोलेंगे तो माइनस लगेगा, D टू B बोलेंगे तो प्लस, ठीक है। I3 ये जो I3 दैट इज माइनस 2 अपॉन 17। ओके, उसके बाद थोड़ा जाकर इधर ले लेते हैं, I3 के बाद ये जो हमारा दैट इज I1 फाइंड कर लेते हैं। I1 का छोड़े वाले इक्वेशन इस तरह है, तो माइनस फाइव आई वन प्लस टेन आई टू प्लस ट्वेंटी आई थ्री जीरो। तो उसके बाद आई टू का वैल्यू 6/17, तो फाइव आई वन प्लस टेन इंटू आई टू, आई टू कितना था 6/17, आई थ्री कितना था माइनस 2/17 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फाइव आई वन है और ये वाला हो जाएगा 60/17 और ये हो जाएगा माइनस 40/17 इक्वल टू जीरो। तो 60/40 दैट विल बी 20। ओके, दैट विल बी 20। तो माइनस 5y1 इक्वल्स टू दैट इज 20/17, तो माइनस 20/17। ओके, ये इधर का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो आई वन इक्वल्स टू प्लस कैंसिल हो गया 4/17। ठीक है ना, क्लियर। तो आई वन आगे अभी एक एक करके जगह पे लिखना है। क्वेश्चन बोला कि हर सेगमेंट में कितना हो, तो ये भी तो पहला सेगमेंट होता है, जैसे कभी ना होगा तो ये भी में कितना आएगा। आई वन का डायरेक्शन सेम आ रहा है, आई वन वही आ रहा था, तो 4/17। ओके, ए बी, ए बी बी सी, बी सी में कितना आएगा आई वन माइनस आई थ्री, तो दैट इज आई वन था तुम्हारा 4/17, आई थ्री कितना था प्लस की हो जाएगी 2/17, दैट इज 6/17। ओके, बी सी ए बी डी सी, ताकि सी डी बोलोगे नहीं तो डी सी बोलोगे, डी सी बोल दिया तो ए सी होता है, डी सी नहीं तो सी डी बोलोगे, तो सी डी बोलोगे तो जस्ट इसका उल्टा लेना पड़े, डी सी बोलोगे तो एस डी आ जाए, ए सी बोल तो डी सी, डी सी कितना आई टू प्लस आई थ्री, आई टू, आई टू कितना था दैट इज 6/17, आई थ्री कितना था माइनस टू
2 by 17. So that means कितना है? That is 4 by 17. Okay? कौन सा? BC बोला. उसको AD बोलेंगे. AD में कौन सा? I2 है. I2 कितनी थी? 6 by 17. कंप्लीट. ठीक है? और बाकी जो है ना, इस वाले सेगमेंट का भी हो जाएगा. That is CEA वाला जो सेल वाला जो उसका साइड नहीं बोला है कुछ है बस हो गया. कौन से देखो भी नेगेटिव था आ गया. नहीं समझ में आ गया ना? आ गया? आ गया? ठीक. अभी देखो यही आंसर दिया ना. नहीं हुआ तो अभी खुद कॉपी में करो तब जाके होगा. ऐसे नहीं कि इसी हो जाएंगे. तो समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझ में आ गया ना? एकदम बेसिक. लास्ट में एक बार और बता देता हूँ. ये देखो कभी भी जैसे कि ये बोलते हैं ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव ये कारण का डायरेक्शन तो कभी लूप भी इसी डायरेक्शन में है तो एक क्या होगा नेगेटिव का. मान लो कि I1 है, I करंट जा रहा है पर 5 ओम है तो क्या होगा? -5. और ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के रेस्क्यू में कर लोगे तो कभी भी कुछ उसके एग्जांपल देखो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो. पता नहीं कहां की एनसीईआरटी होती है वो जो पेज नंबर 190 हां जो है किचन सॉल्यूशन पेज नंबर 160 तुम्हारा कहाँ है? 90 100 नो 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 ये जो थियोरी तो यहाँ पे है ना कि सब लोग थियोरी में देखो तो वही चीज जैसे मान लो 30 ओम वाले में देखो डायरेक्शन ऑफ करंट से -30 आई हो गया. ठीक है बेटा. और जब मान लो कि इस दूसरे लूप को कंसीडर कर रहे हैं ओके उसमें से देखो कि जब मान लो कि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है तो वहां पे देखोगे +45 आ जाएगा और -80 आ जाएगा. ठीक है देख क्लियर हो गए? ओके ठीक है. अरे भाई ये तो बहुत और चला.